गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, आज है अद्विक का बर्थडे और अद्विक के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है क्योंकि दोपहर को ही हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं ससुराल में थी, काफ़ी दिनों से ससुराल में थी तो उस वहाँ पर शूट नहीं कर पाई कुछ भी, और यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज अद्विक का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे मतलब एक दिन शॉपिंग करनी है, उसके बाद मतलब अद्विक के बर्थडे के दूसरे दिन शॉपिंग करनी है, उसके बाद मुझे जाना है मेरे मायके में, और क्योंकि भाई की एंगेजमेंट है, भाई की एंगेजमेंट के बाद भाई की शादी है, और उसके ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बनाने वाली हूँ केक अद्विक के लिए, और आज ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो इसी वजह से मैं आज ब्लैक फॉरेस्ट केक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और चॉकलेट केक जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है मैंने एक पाव, और एक पाव में मैं एक टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल डालने के बाद, वन टीस्पून ऑयल डालने के बाद यहाँ पर वैसे ही रख दिया है वो। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो टीन है वो रेडी कर रही हूँ, मतलब इसे ग्रीस करके रख रही हूँ, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसे स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद बटर पेपर ऐड करूँगी, उसमें बटर पेपर डाल दूँगी, और बटर पेपर इसकी शेप का मैंने पहले ही काट लिया था, और उसके बाद ऊपर से मैं ऑयल लगा दूँगी, और यहाँ पर ये टीन रेडी करके रख दिया है। उसके बाद ये मिक्स कर लूँगी ऑयल प्रीमिक्स में, और उसके बाद उसमें जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है, और ये जो विस्कर है उससे मिक्स करना है आपको, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करना है, उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी कि किस तरह से होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा पानी डाल दोगे तो थोड़ा सा पतला होने की चांसेस हो जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप ऐड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो इस तरह से आपको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। और थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद आपको टीन में निकाल लेना है और इसे टैप करना है दो तीन बार, मतलब इसके जो बबल्स है वो निकल जाए। और ये निकालने के लिए ये जो स्पैचुला है मतलब सिलिकॉन का, यही लगेगा, मतलब नहीं है आपके पास तो भी चल जाएगा, बट इससे ना पूरा निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है पूरा, और अच्छे से इसे टैप करेंगे दो तीन बार, इससे आपको मतलब इससे ना इसके बबल्स निकल जाएंगे सारे, और अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, मतलब ऊपर से भी अच्छे से प्लेन कर दूँगी। उसके बाद मैंने ये जो प्री हीट करने के लिए पतीला रखा था ये मैंने पहले ही रख दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसके बाद ये स्टैंड रख दिया था, और ये मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने ये क्या बोलते हैं बैटर बना लिया। उसके बाद ये ढक्कन रख दूँगी, और उसके बाद एक वजन रखना है, थोड़ी सी भी एयर ना जानी चाहिए उसमें से, तो इसीलिए ये थोड़ा सा वजन रख दिया है इस पर। और जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक माही ये व्हिप क्रीम मिक्स कर रही थी, तो यहाँ पर माही कर रही थी ये ऊपर का जो क्रीम बनाने के लिए व्हिप क्रीम रहती है वो मिक्स कर रही है। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए इसकी तो आप मेरा मतलब हस्बैंड का बर्थडे व्लॉग देख लीजिए, आपको वहाँ पर मैंने बटर स्कॉच केक बनाया है तो उसकी रेसिपी आपको वहाँ पर शेयर की है आपके साथ, मतलब ये व्हिप क्रीम कैसे मिक्स करना है क्या करना है डिटेल में शेयर किया है, तो आप वो व्लॉग देख सकते हो हस्बैंड के बर्थडे व्लॉग। बट यहाँ पर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ बनाने के लिए पहले ही आटा गूंद लिया था, रोटियाँ बना लूँगी। और आज का मेनू भी बता देती हूँ आपको, आज का मेनू है सोयाबीन वड़ी की सब्जी है, रायता है, और क्या बोलते हैं रोटियाँ और जीरा राइस, ये आज का मेनू है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया था क्योंकि दोपहर में आए थे, और दोपहर में आने के बाद हम लोग काम में ही लग गए थे, मतलब साफ़ सफाई में ही लग गए थे, इतने दिनों से घर बंद था तो इसी वजह से साफ़ सफाई में ही हम लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया। उसके बाद हम लोग फिर अद्विक के बर्थडे की तैयारियां चालू हो गई हमारी, मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, खाना बनाने के बाद मैंने केक बनाना, मतलब केक भी साथ साथ ही बन रहा था, खाना भी बन रहा था, तो यहाँ पर केक बन गया है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया है ये, और उसके बाद मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर केक निकाल के साइड में रख दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए, और यहाँ पर मेरा खाना भी बना लूँगी। तब तक राइस बन चुके थे, जीरा राइस बनाना था मुझे, तो यहाँ पर राइस बन चुके हैं, उसको मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर रही हूँ, उसके बाद उसे जीरा के तड़का लगा दूँगी, और उस पर धनिया पत्ता डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मेरा जीरा राइस रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं जीरा राइस रेडी हो जाने के बाद
मैं सब्जी की तैयारी करूँगी। सब्जी में आज सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनने वाली है, तो उसका मसाला मैंने रेडी कर दिया है, वही फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद सोयाबीन बड़ी डाल दूँगी। और यहाँ पर सब्जी भी रेडी हो गई थी और केक भी रेडी हो गया था, तो यहाँ पर केक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब काट रही हूँ। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है केक। और इस पर ना क्या बोलते हैं शुगर सिरप ऐड करूँगी, और उसके बाद इस पर मैं ये जो विप क्रीम है, एक्चुअली विप क्रीम ना माही ने बना के तो रखी थी, बट वो फ्रिज में नहीं रखी थी तो थोड़ी सी पिघल गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं वही जो पहला लेयर है उससे कंप्लीट कर रही हूँ, उस पर विप क्रीम लगा रही हूँ। उसके बाद मैं सेकेंड लेयर कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कि मेरा जो केक है ब्लैक फॉरेस्ट केक वो रेडी हो चुका है बनके। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो ये केक रेडी हो गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर माही बना रही है रायता, बूंदी का रायता, दही का रायता। तो यहाँ पर दही फेंट रही है, वो वही विस्कर था तो उसी की हेल्प से वो दही फेंट रही थी। मैंने उसको बोला था थोड़ा सा आप दही फेंट के दो मुझे, उसके बाद वो बूंदी ऐड करेगी उसमें और बन जाएगा रायता। और उसमें ना जीरा पाउडर और सारी चीज़ें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, थोड़ा सा शुगर मिक्स करना था, बूंदी ऐड करनी थी। बस यहाँ पर रेडी है बूंदी का रायता, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने तो नहीं खाया था, मुझे फास्ट था तो इन्होंने खाया था तो ये बता रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं धनिया पत्ता ऐड करना बाकी था, तो वो बाद में ऐड करूँगी सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी, अद्विक को रेडी कर दिया था, अद्विक भी रेडी हो गया था। यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी, तो ये मेरे मतलब ये जो बलून फुला रहा है वो मेरे बड़ी जेठानी का बेटा है संकेत, और इधर वाला जो है रेड शर्ट वाला मतलब मरून शर्ट वाला वो मेरी ननद का बेटा है, और ये भी साथ में डेकोरेशन में हेल्प कर रहे थे उनकी, क्योंकि इनको थोड़ा सा तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही थी तो इसी वजह से थोड़ा सा वो भी डिस्टर्ब थे। टैबलेट वगैरह ले ली थी उन्होंने, बट फिर भी हो ही जाता है यार, मतलब तबीयत ख़राब रहती तो इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है किसी चीज़ों में। फिर भी उन्होंने उनसे जितना हो पाया उतना किया, और डेकोरेशन सिंपल सा ही किया था, ज़्यादा तामझाम नहीं किया था। अद्विक को रेडी कर दिया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और थोड़ी देर में अद्विक केक कट करने वाला है, डेकोरेशन हो गया है नीचे। तो मैं किस लिए आई थी, हाँ बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए ऊपर आई थी, बेल्ट नहीं था नीचे दिख नहीं रहा था, पर ये सारा सामान था तो बेल्ट के लिए मैं ऊपर आई थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बात कर लेती हूँ आपसे, मेरे ननद का बेटा आया है और मेरी बड़ी जेठानी का बेटा आया है, तो इन लोगों को हम गांव से लेके आए हैं आज ही, कोई नहीं था यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो हम वो लोग आए हैं दोनों, तो अच्छा लग रहा है उसको भी, अद्विक को भी अच्छा लग रहा है कि भाई आया है उसके। तो अभी केक कट करेगा अद्विक, और खाने में क्या बना है तो वो तो मैं थोड़ा सा दिखाई दिया है आपको, खाना भी बन गया है, खाना मैं आपको नीचे चल के दिखा देती हूँ। और हाँ कुछ पार्सल भी मुझे रिसीव हुए हैं जो मैंने दिवाली के लिए ऑर्डर किए थे होम डेकोर के, तो एक्चुअली मैंने लेट ऑर्डर किए ना, इस वजह से सारे लेट लेट मिल रहे हैं मुझे, मैं से कुछ मिल गया है। तो पहले अद्विक केक कट कर ले, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ। ये है आज का मेन्यू, सोयाबीन वड़ी की सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी बोल रहे थे, और उसके बाद ये बूंदी का रायता है, जीरा राइस है, रोटियां हैं, और सलाद वगैरह था खाने में, थोड़ा सा और पापड़ वगैरह फ्राई किए थे। तो ये खाने में आज का मेन्यू था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था बोल रहे थे, मैंने तो नहीं खाया था बट ये बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और मैंने क्यों नहीं खाया था ये भी बता दूँ, क्योंकि मेरा पास था, एकादशी थी अद्विक के बर्थडे के दिन, और जो मराठी है उन लोगों को पता है एकादशी क्या होती है, तो हमारा फास्ट होता है उस दिन। और यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर अद्विक भी बैठ गया था बर्थडे बॉय, हर साल के जैसा बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया इस साल क्योंकि सिचुएशन आप लोगों को सभी को पता है, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी कभी चल जाता है। अगले साल उसका 5th बर्थडे है, तो अगले साल देखेंगे। बस यहाँ पर माही दिया लगाने वाली है अद्विक की थाली का, मतलब उसको जो ऑक्शन करने वाली थाली है उसका दिया लगाएगी, उसके बाद मैं ऑक्शन करूँगी, और उसके बाद अद्विक केक कट करेगा। और यहाँ पर अद्विक कब से वेट कर रहा था केक कट करने के लिए, क्योंकि इस साल ना मतलब उसको सुबह से ही पता चल रहा था कि नहीं इस साल थोड़ा सा ठंडा सा बर्थडे उसका होने वाला है, बट कोई बात नहीं यार, चल जाता है कभी कभी। सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था बट कैंडल लाना ही हम लोग यार भूल गए थे, हर साल कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं अद्विक के बर्थडे पे, इस बार कैंडल लाना भूल गए। पिछले साल का अगर ब्लॉग देखा होगा आपने तो पिछले साल हम लोग केक का ऑर्डर देना भूल गए थे, तो ऐसे ही होता है यार, मतलब जल्दबाजी में हो ही जाता है। क्योंकि दोपहर में हम लोग आए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई थी घर पे, तो वो हम लोगों ने क्लीन की, उसके बाद फिर सारी तैयारियाँ की, तो
उसके चक्कर में ये सारी चीजें भूल गए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, अद्विक केक कट करेगा। केक कट हो गया था, केक अद्विक को सबने खिला भी दिया था। उसके बाद सब लोग आए थे बाहर पटाखे फोड़ने, तो यहाँ पर सब लोग मिलके पटाखे फोड़ रहे हैं। अद्विक को भी अच्छा लग रहा है, उसके भाई आए हैं दोनों, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये यहाँ पर पटाखे फोड़ेंगे और मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। बर्थडे केक कट कर लिया है, सेलिब्रेशन हो गया है और ये लोग गए हैं पटाखे फोड़ने। तो मैंने सोचा तब तक आपको मैं सामान दिखा देती हूँ क्या क्या आज मुझे रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले मुझे रिसीव हुआ है ये एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें काफ़ी सारे प्लग लग जाएंगे, मतलब पिंस वगैरह काफ़ी सारे लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिंस लग जाते हैं इसमें, 6 लग जाएंगे और 3 पिंस इसमें 2 लगेंगे। बोर्ड मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे आज रिसीव हो गया है। सेकेंड मुझे रिसीव हुआ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल से क्वेश्चन, इसका मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही थी एक्चुअली, बट ये मुझे आज रिसीव हुआ है। कोई बात नहीं, उस दिन तो सजाने के लिए भी टाइम नहीं मिला था दिवाली के दिन। ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, ये मतलब रोज शेप में, फ्लावर शेप में या रोज शेप में आप बोल सकते हो, ये मुझे कुशन रिसीव हुए। बहुत ही सुंदर है, बहुत कलर बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। ये आप कहीं पर भी रख सकते हो, जैसे कि बेड के कुशन के आगे रख सकते हो या सोफे के ऊपर रख सकते हो, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हो, कहीं पर भी इसे सजा सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाला है। ये मुझे दो का सेट रिसीव हुआ है ऐसे, तो ये है। और उसके बाद ये है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आइटम मैंने ऑर्डर किए थे, ये मैंने ऑर्डर किए हैं बुलबुल ऐप से। और बुलबुल ऐप का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं प्रोडक्ट के, मतलब आने के बाद आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर ही क्वालिटी पता चल जाती है, मतलब वीडियोस देख के कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, और आपको आने के बाद रिटर्न करने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यही बात मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह से ये कुशन कवर मैंने ऑर्डर किए थे, 6 कुशन कवर है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं। मतलब ये आप इसको जूट का कपड़ा बोल सकते हो, जूट के कपड़े की ये है, पीछे से इस तरह से प्लेन कपड़ा है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और एक जिप दी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जिप दी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। और इसी तरह से मैंने ये ब्लैक कलर में, ब्लैक एंड वाइट में मंगाया है, और इसके बाद मैंने एक रेड एंड मतलब क्रीम कलर में मंगाया है। डार्क ब्राउन चाहिए था पर डार्क ब्राउन मुझे दिखा नहीं, इसकी वजह से मैंने ये रेड एंड ऑफ वाइट में मंगाया है। तो ये कुछ इस तरह से है, तो इसमें भी 5 कुशन कवर आते हैं और इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये भी, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसके लिए मुझे अभी कुशन लेने पड़ेंगे, तो ये कुशन हो सकता है मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ या हो सकता है मैं शॉप से परचेस करूँ, मतलब लोकल शॉप से, तो वो तो मुझे नहीं पता। बट इसके साइज़ की अगर मुझे मिल गया तो मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हूँ। तो चलिए ये देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर है, ये भी जूट का कपड़ा है, मतलब ये इस तरह से कपड़ा नहीं होता, आपको कैसे बताऊँ मैं, जूट के जैसा ही सेम, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये भी। और इसकी डिज़ाइन बहुत यूनिक लगी मुझे, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी 6 का सेट है और ये वाला भी 6 का ही सेट है। और इसके बाद मैंने एक ऑर्डर किया था लाइट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी मुझे रिसीव हो गया है, तो ये भी बाद में भी लगा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास 3 लाइट थे ऐसे, मतलब थोड़े राउंड शेप में थे, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये कुछ इस तरह से लगाने के बाद ना एक स्पॉटलाइट का काम करेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा है प्रोडक्ट है। अगर आपको भी परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका सेपरेट लिंक आपको नहीं मिलेगा, इसका एक ही लिंक मिलेगा, मेरा जो स्टोर है बुलबुल ऐप पे, उस स्टोर का लिंक आपको मिलेगा। उस स्टोर के लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट आपको वहां पर दिख जाएंगे,
आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। कैसे लगे आपको ये सारे प्रोडक्ट ये भी कमेंट करके बताना, और इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना मुझे। मेरे स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे टाइटल पे अगर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना, मेरा स्टोर ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अद्विक के बर्थडे का सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। अद्विक के लिए, अद्विक के बर्थडे के लिए, अद्विक को विश करने के लिए लाइक जरूर कर देना। शेयर करने के लिए आपको पोस्ट नहीं करूंगी, आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और उसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे मेरे भाई की शादी है, हॉल वीडियोज आने वाले है, मेकअप वीडियोज आने वाले है, और क्या बोलते हैं तो टूर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। वो जो रेड बटन होता है सब्सक्राइब का उसको ग्रे कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसको आप सबसे पहले देख पाओगे। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।